बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। तो मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइजेस की शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम भी और इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने टेंथ में पढ़ी हुई है, बिल्कुल सेम उसी तरह से एन इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर ये जो कॉन्स्टेंट है ए बी सी कोफिशिएंट, इनको कहते हैं हम कोफिशिएंट। ए को कोफिशिएंट, बी भी कोफिशिएंट है और सी भी कोफिशिएंट है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है इनको कहेंगे वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है जी, ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स कि ये वैल्यू जो इनकी है कोई भी नंबर हो सकती है, पॉइंट वाला नंबर हो सकता है और डिनोमिनेटर वाला, बटे वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, किसी भी फॉर्म में ये ए बी सी हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से रियल कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो वेयर बेटा ए बी एंड सी आर रियल नंबर, वेयर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप डेफिनेशन कर रहे हैं तो तब आपने ये लाजमी बताना है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये लाजमी बता देना है कि जो ये वाला ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसके ऊपर पावर जो डिग्री इसकी है वो टू है। ठीक है, अगर अब ये जीरो हो गया तो फिर ये डिग्री टू वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसको लाजमी याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी डेफिनेशन करें तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो कॉन्स्टेंट हो उसके बारे में लाजमी बता देना कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी। वरना आपने सारी लिखी हुई है तो आपको हो सकता है कोई रहम दिल बंदा वो एक नंबर दे दे, दो नंबर नहीं देगा। ठीक है जी, तो मेरा बेटा नेक्स्ट देखे, हो सकता है गलत भी कर दे। तो नेक्स्ट मेरा बेटा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड कितने हैं। ठीक है जी, तो हमने मेथड पढ़ने एक्सरसाइज में, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एम सी क्यूज आपका होता है कि नंबर ऑफ मेथड या मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तीन मेथड मेरे बेटा आमतौर पे होते हैं। नंबर वन, ये आपने जबानी याद कर लेने हैं, फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन इस तरह लिख ले, बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने हैं जो आपने पढ़ा हुआ है टेंथ में उसी तरह से। नंबर टू, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर थ्री बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लो मेरे बेटा, ये बातें होगी, ये अब आपने याद कर लेनी इसकी वोकैबुलरी जो है, ये बढ़िया अहम चीज है। डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन में ये वाला पॉइंट जो है याद रखना है आपने। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं, आपकी बुक के मुताबिक तीन मेथड हैं। ठीक है जी, तो वो तीनों मेथड्स के नाम याद रखने हैं और तादाद भी याद रखनी है कि मेथड है कितने, वहाँ पे तादाद है कि एक मेथड है, दो मेथड है, तीन है, चार है, तो आपने लिखने हैं तीन मेथड है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा मेथड है, तो फिर आप मेथड भी बता सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी नाम दिया हो तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब मेरा बेटा हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है जी, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक क्या कहा है उसने कि बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, मेरा बेटा पहला सवाल इसका देखें,
क्वेश्चन नंबर वन, ये बराबर बेटा 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे बेटा फैक्टर बनाने हैं इसके, तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ पे मेरा बेटा कौन सा नंबर है 3 और यहाँ पे कौन सा नंबर है प्लस का 1, इसको ऐसे लिख लें 3 ये भी प्लस का है और ये 1 जो है इसके साथ भी साइन प्लस का है, ये मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस 3 आएगा। अब आपने ऐसे टू नंबर जो हैं वो सोचने हैं, तो उनको अगर ऐड करें तो आंसर 4 है और मल्टीप्लाई तो आंसर क्या है 3 है, तो वो क्या आंसर कौन से बनते हैं ये देखें 3x², मेरा बेटा इनको मैं ऐड करूँ तो 4 आंसर है, तो एक होगा 3x, एक होगा 1x, ठीक है जी, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा बेटा एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा बेटा x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 या फिर यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ये मेरा बेटा x की दो वैल्यूज आपके पास हैं, तो इसमें सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट, ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं s डॉट s, ये आपके पास आएगा जी माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3। यहाँ पे मेरा बेटा ये सेट वाला सिंबल आपने डालना है ये ऐसे, ठीक है जी, कर्ली ब्रैकेट से होती है, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ MCQs में, ये जो x की वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास रूट भी कहलाते हैं, ये किसी भी इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट भी कहलाते हैं। तो ये x की जो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन से आपने फाइंड की हैं वो इस इक्वेशन के रूट भी कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MCQs बता देता हूँ कि द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई, यहाँ पे नई जगह इधर लिख लेते हैं, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स भी होती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप हम एक एक चीज यहाँ करते रहे। क्वेश्चन आपको मान समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है जी x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मेरे बेटा देखें इसमें इसी तरह हम यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट 1 है प्लस 1 और इसके साथ है प्लस 12, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा प्लस 12। टू नंबर ऐसे हम सोचेंगे अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आया 12 और अगर उनको हम ऐड करें तो आंसर आए 7। तो मेरे बेटा देखें x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, देखें इनको मैं ऐड करूँ तो प्लस 7 आ रहा है और अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ से x का मान x प्लस 3, 4 का मान x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मेरा बेटा x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्यूशन सेट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ s डॉट s, सेट का सिंबल लगाएं और उसमें ये दोनों लिख दें माइनस 3 और माइनस 4, ठीक है जी, यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है जी, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखें मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी 9x² माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो मेरा बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो मेरा बेटा इसके भी फैक्टर बनाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे क्या करना है, ये 9 है ये लिखे 9, ये क्या है माइनस 5, मल्टीप्लाई करें आंसर आया माइनस 45। अब मेरा बेटा हमने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करें तो माइनस 12 है
और मल्टीप्लाई करें तो -45 है। तो देखें ये बनेगा 9x² - 15x + 3x। ये देख मेरा बेटा, इनको मैं ऐड करूँ तो -15 + 3 तो आंसर आपके पास 12 आएगा, क्योंकि बड़ी जो रकम है आपके पास उसके साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, तो -12 आ गया। और इनको मल्टीप्लाई करूँ तो -15 × 3 तो -45 बन जाएगा। ठीक है, 15 × 3 = 45 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस हो जाता है, -5 = 0। यहाँ से देखिए क्या कम आता है, 3x, तो बाकी आएगा 3x - 5। यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 3x - 5 = 0। ये मेरा बेटा लिखा जाएगा 3x - 5 × 3x + 1। ठीक है जी, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये मेरा बेटा 3x - 5 = 0 और 3x + 1 = 0। यहां से 3x = 5 x = 5/3, 3x = -1 x = -1/3 सॉल्यूशन है 5/3 और -1/3। ठीक हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, x² - x = 2। मेरे बेटा ये क्वेश्चन बड़े ध्यान के साथ देखना है, x² - x = 2, इसमें इक्वल के बाद 0 होना जरूरी है। यहाँ पे इक्वल के बाद 2 है तो पहले 0 बनाना है आपने, x² - x - 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x² फैक्टर बनाएंगे उसी तरह से, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे है -2, आंसर आएगा -2। अब ऐसे 2 नंबर सोचे, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर है -2 और ऐड करें तो आंसर आए यहाँ पे x के साथ है -1, तो -1 में। तो देखें x², ठीक है, ये मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में अक्सर आता है, ध्यान रखना x², ये -2x + x - 2 = 0। देखें -2x + x तो आंसर आएगा -x, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें -2 × 1 तो आंसर आएगा -2, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई इंटू माइनस आंसर माइनस होता है। ये मेरा बेटा x कॉमन, x - 2, यहाँ से +1 कॉमन, x - 2 = 0। ये बन गया x - 2 और ये x + 1 = 0, x - 2 = 0, x + 1 = 0, x = 2 और x = -1। सॉल्यूशन सेट मेरा बेटा आपके पास आया 2, -1। ठीक है जी, ये मेरा बेटा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूरे हुए आपके, और मेरा बेटा जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहे साथ साथ, और लाइक भी करें, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और मेरा बेटा इसमें इन क्वेश्चन में एक बात याद रखें कि हमने आप 3 चीज़ें पढ़ी हैं, 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2, उसके सॉल्व करने के मेथड क्या हैं, और 3, रूट क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ ली आपने, एक डेफिनेशन, मेथड, ठीक है, और 3, रूट। ये 3 डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं, 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इनको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं, ये भी याद रखने हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।